अल्लाह रहमान रहीम। एक मरतबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जबराइल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जबराइल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ? हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ महबूब कुल जहाँ, आज मैं अल्लाह के हुक्म से जन्नम का नज़ारा करके आ रहा हूँ। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमुदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जबराइल अलैहिस्सलाम मुझ पर जहन्नम के हालात बताओ। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि जन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह इसमें मुनाफिकों को रखे। इससे ऊपर वाले 6 दर्जे में मुशरक लोगों को डालेंगे और इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। 4थे दर्जे में अल्लाह पाक आतश परस्त लोगों को डालेंगे और 3रे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। 2रे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जबराइल अलैहिस्सलाम खामोश क्यों हो गए? मुझे बताइए कि पहले दर्जे में कौन होगा? हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू कर दी। दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते और नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबाए किराम हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ नहीं ले जा रहे। जब 3रा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रहा न गया। वो दरवाज़े पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाइए, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको हज़रत उमर बिन ख़ताब भी कहते हैं, ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस वाक़या का तज़किरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब हाल बताया और आप हुजरे के दरवाज़े पर आईं और कहा, अब्बा जान सलाम अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया, अब्बा जान आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। बेटी फ़ातिमा, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे और जहन्नम से बरी कर दे। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम फरमा, इनको जन्नम से आज़ाद कर दे। इतने में हुक्म आ गया, ऐ मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खुल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वह रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैंने उस वक्त तक राज़ी नहीं होना कि जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जहन्नत में ना चला जाए। तो ये छोटा सा वाक़या हमें यह समझने के लिए काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत थी और वो हमें जन्नम की आग में जलता नहीं देख सकते थे, इसलिए खालिक कायनात के हुजूर 3 दिन तक अश्कबार रहे। दूसरी तरफ
हम अपने गिरेबान में झांकें तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के सिवाय दवा करते हैं और करने का क्या किया है। माशरे की हर बुराई तो हम में मौजूद है, यहाँ तक कि शिर्क भी आम हो चुका है जिसकी माफ़ी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अल्लाह से अपने छोटे बड़े गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए चलने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।